गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे विशेष व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम। वस्तु जैसे मेज, कुर्सी, पंखा आदि। और स्थान जैसे विशेष स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, कोई भी। ठीक है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है, जैसे राम घूमने जाता है, तो राम क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है। श्याम दिल्ली जाता है, दिल्ली क्या है? विशेष स्थान का नाम है। और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। ठीक है, अब है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण है, जैसे सीता फल खाती है, तो फल क्या है? जाति। तो इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सीता आम खाती है, तो आम क्या है? विशेष फल का नाम है। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे कहा जाए वहाँ नदियाँ हैं, तो नदियाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी नदी का नाम बोला जाता है, जैसे गंगा, यमुना, तो उसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण है, वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? भाववाचक है, उसके भाव हैं। राम बहुत खुश है, तो खुश क्या है? भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगण्य होती हैं, जिन्हें गिना न जा सके। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब आगे है, आजकल हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण का अत्यधिक उपयोग या प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, तेल आदि। उदाहरण है, ज़्यादा पानी मत बहाओ, तो पानी क्या है? द्रव्य। पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं, पीतल क्या है? द्रव्य। अब सेकंड है समूहवाचक संज्ञा, इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है, जैसे रास्ते में बहुत भीड़ है, तो भीड़ क्या है? बहुत सारे लोगों की भीड़ है, तो भीड़ क्या है? समूह। गायों का झुंड अचानक दौड़ने लगा, तो झुंड क्या है? समूह। इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया, तो गुच्छा क्या है? समूह। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। थैंक यू।